Once again, welcome back to the channel, guys. अच्छे रेक्सवाला आज आपके लिए एक और वीडियो लाया भाई अपनी प्रो ड्राइव एसेसरीज की। और भाई आज मैं आपके लिए पूरा का पूरा एक सेटअप बनाया है मैंने, जिसमें कि आपको हर एक एक चीज़ दिखा दूंगा। और एक मिनट, हर एक एक चीज़ इसमें मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी अपना मेनली स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ बताने वाला हूँ भाई। बहुत ध्यान से देखना ये वीडियो, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। जिस भी भाई ने वीडियो देख ली वो अपनी गाड़ी में बहुत ही आसानी से एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक सेटअप लगा सकता है, एक बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राइस में, बहुत ही चीप प्राइस में। और भाई सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें मैंने सारे एंड्रॉयड्स रखे हुए हैं, सारे स्पीकर्स रखे हुए हैं। एक एक चीज़ बताऊँगा कौन सा एंड्रॉयड आप कैसे लगवा सकते हैं, किस किस कंडीशन में लगा सकते हैं। उसके साथ साथ आप कौन कौन से स्पीकर्स के लिए जा सकते हैं, किस किस कंडीशन के अकॉर्डिंगली जा सकते हैं, कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, कैसी आपको आवाज़ चाहिए। तो हर एक एक चीज़ मैं इसमें बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस बताऊँगा। अगर आपको कम से कम प्राइस में आपको अगर एक म्यूज़िक सिस्टम लगवाना है तो किस किस अकॉर्डिंगली आप लगवा सकते हैं, वो सब कुछ मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंड्रॉयड से। एंड्रॉयड में भाई जो अपना सबसे बेसिक आता है ये अपना एंड्रॉयड 9 इंचज़ का, जिसमें कि भाई आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, बट इसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो नहीं होता है। तो इसमें आप YouTube चला सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके सारे गाने वगैरह बजा चला सकते हैं। और सबकी जो आउटपुट है नॉर्मली सबकी एक जैसी होती है, थोड़ी बहुत ब्रांड टू ब्रांड हल्की सी अकॉर्डिंगली वेरी करती है 19-20 की, ज़्यादा एंड्रॉयड्स में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। बाकी उसमें सबसे मेन चीज़ यही डिपेंड करती है कि आप कौन से स्पीकर्स लगा रहे हो, कौन से स्टीरियो के साथ, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि स्पीकर्स के अकॉर्डिंगली भी जो आपकी आवाज़ है वो एनहांस होती है और बढ़ती कम होती है। तो भाई ये एक बेसिक एंड्रॉयड जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बस आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलेगा। जो भी भाई ब्लूटूथ से गाने बजाता है उनके लिए बिल्कुल बेस्ट है, जो कम नेविगेशन करते हैं उनके लिए भी बेस्ट है, और जो यूट्यूब से चलाते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। मैंने आपको कंडीशंस बता दिए, अगर आप YouTube चलाते हो तब भी ओके है, अगर आप नॉर्मल नेविगेशन कम करते हो वो भी ठीक है, और अगर आप ब्लूटूथ से चलाते हो तब भी ठीक है। अगर आप Apple CarPlay और Android Auto अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो तो फिर आपको एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा, जिसमें कि आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे रॉकविला का, जिसमें कि आपको Apple CarPlay Android Auto मिल जाएगा, माइक भी इसके साथ मिलेगा आपको, और सारे ये फीचर्स मिलेंगे। और इसी में एक और अपने पास ऑप्शन है TS9 में, जो कि है कि अपना मोटोसोनिक का, दोनों ही बहुत ही अच्छे स्टीरियो है, बूट टाइम बहुत अच्छी है, ऐप ओपनिंग टाइम बहुत अच्छा है। ये मैंने बलिनो में भी लगाया था, अगर आपको वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे वीडियो बलिनो की आप जाके देख सकते हो, पूरा रिस्पॉन्स इसमें आपको पता चल जाएगा, साउंड आउटपुट एक एक चीज़। क्योंकि इसके साथ हमने लगाए थे अपने ये वाले स्पीकर्स JBL के, और बहुत ही अच्छा साउंड आउटपुट आ रहा था। तो एक बार अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो जाके देख सकते हैं। सेम एज अपना रॉकविला का है, जिसमें कि आपको DSP वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, और इसमें आपको माइक मिलता है, 1 ईयर की वारंटी मिलती है। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो आपको ब्लैक कैट का अपना ये इंफोटेनमेंट मिल जाएगा, जिसमें कि आपको 360 सपोर्टेबल मिलता है, DVR सपोर्टेबल मिलता है। इसमें आपको आगे पीछे आप कैमरे लगा सकते हैं, और आपका एज अ डेस्क कैम काम करेगा, मतलब कि जैसे ही आप ऑन करोगे आपकी दोनों की DVR की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी दोनों कैमरे की। एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, इसमें आपको अंदर ही कैमरा फ्री मिलता है, माइक फ्री मिलता है, और ये अपना T5R प्रोसेसर के साथ 4-कोर प्रोसेसर है 1.5 GHz के साथ, बहुत ही अच्छा स्टीरियो है। और एक और चीज़, जैसे कि इसमें ये जो फीचर है ये बहुत अच्छा है, आप गूगल असिस्टेंट डाउनलोड करो और ओके गूगल बोलो, एंड सीधा जो भी आपको कमांड देनी है वो आप कमांड दे सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब ये तो हो गया अपने स्टीरियो, इसके साथ साथ आप जेमस्टोन का 2K के लिए भी जा सकते हो, डायमंड 2K के लिए, जो कि बहुत अच्छा है और बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, और इसका मेनली यूज़ उनके लिए बहुत ही अच्छा है जिनकी कार में कंट्रोल्स नहीं है, तो आप इजीली वॉल्यूम और ट्रैक यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये है। इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर किसी भाई ने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब ये हो गए अपने स्टीरियो।
स्टीरियो में मोटी मोटी मैंने सारी चीज़ें बताई दी है, बाकी इसके कुछ यहाँ पे भी इसकी QLED आपको इसमें स्क्रीन मिलेगी, 5.1 का ब्लूटूथ मिलेगा, 4x45W की आपको इसमें आउटपुट मिलेगी, रग टेस्टिंग इतने से इतने तक की है, और 32 इक्वलाइजर सेगमेंट DSP है इसमें, आपको 32 बैंड का आपको इसमें DSP मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने एक बार बता दी है। अब इसके साथ भाई मैं आपको बता देता हूँ कि आप कॉम्बिनेशन सस्ते से सस्ता, अगर किसी भाई को बहुत ही सस्ता म्यूज़िक सिस्टम लगवाना है एंड्रॉयड के साथ, तो आपको मिनिमम टू मिनिमम समवेयर अपना 5500 से 6000 के बीच में आपका लग जाएगा, 5500-6000 या थोड़ा और एक्सपेंड कर सकता है, हल्का बहुत इसी रेंज में अपना लग जाएगा, वो आपके ऊपर अकॉर्डिंग आप क्या क्या लगवाते क्या क्या नहीं, कम से कम 5500 में और ज़्यादा से ज़्यादा 6000-6100 तक अपना लग जाएगा। ठीक है जी, इसमें अपने सबसे बेसिक स्पीकर्स ये वाले होते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसे स्पीकर्स होते हैं जो कि जैसे कि OEM स्पीकर्स होते हैं, बिल्कुल उसी टाइप की इनकी आउटपुट है, पेपर कॉर्न स्पीकर होते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, इनकी आउटपुट काफ़ी अच्छी आती है, इनमें क्या है कि ज़्यादा आउटपुट नहीं है, तो जितने आपके स्पीकर थोड़े मतलब बहुत हैवी स्पीकर होंगे तो आवाज़ दब जाएगी, नॉर्मल स्पीकर होंगे तो आवाज़ थोड़ी खुल के आती है। और अभी कॉम्बिनेशंस की बात कर लें तो आप कॉम्बिनेशंस में सबसे पहले अगर बात करें, ये बहुत ही अच्छा स्पीकर है, बहुत ही अच्छे प्राइस पे आपको अवेल हो जाएगा, A352 JBL का है, इसमें अगर आप चारों स्पीकर्स के लिए जा सकते हैं, पहला चारों ही आप ये स्पीकर डलवा सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा, अगर आपको और थोड़ी कॉस्टिंग कम करनी है तो आप आगे ये डलवा सकते हैं, पीछे ऑनकोयो का ये डलवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्पीकर है, ऑनकोयो बहुत अच्छा ब्रांड है, यूनो मिंडा का, ये देखो भाई यूनो मिंडा ऑनकोयो 230 वॉट की इसमें पीक पावर है, ये भी बहुत अच्छे स्पीकर है, पीछे आप ये डलवा सकते हैं, ठीक है, या तो चारों आप ये डलवा सकते हैं या आगे ये पीछे ये डलवा सकते हैं, ये हो गए एक बेसिक थोड़ा है ना, इससे पहले मैंने आपको दिखाए थे ये वाले स्पीकर्स जो कि बिल्कुल ही बेसिक है, ये भी आप डलवा सकते हैं चारों, बट ये जैसे कि इनमें कोएक्सियल्स है तो ये वोकल भी देंगे, ये वोकल नहीं देंगे, इसमें थोड़ी सी धमक ज़्यादा होगी इन स्पीकर्स में और इन स्पीकर्स में, क्योंकि इनमें ट्यूटर भी है। अब उसके बाद हम बात करें तो अपने की जैसे अब आते हैं, बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप ये डलवा सकते हैं या इसके साथ और भी कोएक्सियल्स और भी उसके लिए जा सकते हैं, या कोएक्सियल्स में अगर आपको दो वैरायटी डालनी है तो एक वैरायटी ये डालो, एक वैरायटी ये डालो। अब आ जाते हैं अपने कंपोनेंट्स पे, अगर आपको सेम ब्रांड में कंपोनेंट्स पे जाना है तो जैसे कि अपने एंड्रॉयड की आउटपुट होती है तो उसके लिए सबसे अच्छा मेरे हिसाब से इन्फिनिटी अल्फ़ा आगे आप कंपोनेंट लगवा सकते हैं जिसमें कि आपको ट्यूटर्स मिलेंगे, आपके कंपोनेंट्स होंगे ये हैं, इनमें आप लाइक ट्यूटर्स ऊपर आ जाएंगे तो थोड़ी जो साउंड है वो एनहेंस हो जाती है, और उसी के साथ साथ पीछे आप इन्फिनिटी के कोएक्सियल्स के लिए जा सकते हैं। ऑप्शन है अगर आप कोई एक्सटर्नली कोई भी आप कोई सोर्स नहीं देना चाह रहे, मतलब कोई एम्प नहीं लगाना है, आपको एक बहुत ही सिंपल और बेसिक साउंड सुननी है एंड्रॉयड स्टीरियो के थ्रू, तो आप ये अल्फ़ा के लिए जा सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अल्टरनेटिव में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको कंपोनेंट्स के लिए जाना है तो ये अपने सोनी के कंपोनेंट्स हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, आगे आप ये लगवा सकते हैं, और इसके साथ साथ पीछे में आप 352 HI के लिए जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, अल्फ़ा के लिए जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, और ऑनकोयो के मिंडा के ये अपने स्पीकर से इनके लिए भी जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, तीनों ही ऑप्शंस अच्छे हैं, कोई से भी आप लगवा लो बहुत ही अच्छे हैं। अब इसके बाद ये मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दिखा दिए, बहुत ही वैरायटी दिखा दी है, इसके बाद अगर आपको लाइक ये थोड़े हैवी में आ जाते हैं, DD ऑडियो के रेडलाइन सीरीज़ अच्छे स्पीकर्स हैं, बट
ये थोड़े हैवी हो जाते हैं, तो आप वैसे ये भी लगवा सकते हो इनके साथ साथ। और इन फ्यूचर में अगर आप एम्प प्लान कर रहे हैं कि भाई मैं एम्प लगवाऊं और एम्प से अपने स्पीकर्स को आउटपुट दूं, तो आप डीडी ऑडियो के लिए जा सकते हैं और आप ये भी लगवा सकते हैं। बट अगर ये भी ठीक है इनके लिए, बट अगर आप लाइक ये एम्प पे भी चल जाएंगे और ये इन पे भी चल जाएंगे, अगर आप स्टीरियो से आउटपुट दे रहे तब भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और एम्प से लगाएंगे तब भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट अगर आपको एम्प नहीं लगाना है, आपको सिर्फ स्टीरियो से आउटपुट देनी है, तो मैंने जो जो आपको वैराइटीज़ बताई है इनके लिए आप जा सकते हैं। ये भी एम्प से सही चल जाएंगे। बाकी ये कुछ अपने वैराइटी है जो कि आपको मिल जाएगी कम से कम रेंज में, मैंने आपको बता दिया है। बाकी भाई अगर आपको सारे इनके प्राइस वगैरह जानने हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी शॉप पे विज़िट कर सकते हैं अपना काम कराने के लिए। बाकी भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अचिन विद यू फॉर यू ऑलवेज। बाय बाय।